शिक्षा ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के अंधकार को शिक्षा की रोशनी से ही दूर किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है। तो मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है तो ये राशिफल आपके लिए है। जे नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जे नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है और उनको अपनी जन्म की राशि भी पता नहीं होती है, तो वो लोग इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। चलिए मित्रों, जे नाम वाले लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में सबसे पहले धन की बात करेंगे कि उनको धन के लिए कैसे रहने वाले हैं ये दोनों महीने। तो धन के मामले में दोनों महीने अच्छे रहने वाले हैं, परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जे नाम वाले लोगों के लिए धन के मामले में समय अच्छा रहेगा, धन का आवागमन सुचारू रूप से होता रहेगा। और आय के मामले में अगर हम देखें तो यहाँ पर 13 मार्च तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और 13 मार्च के बाद का जो समय होगा वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन धन और आय के मामले में एक बात का ध्यान रखकर चलना है जे नाम वाले लोगों को इन दोनों महीने में। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें और खासकर 13 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में किसी से उधार लेने से बचें और किसी को उधार देने से भी बचें, नहीं तो आपको लिया गया उधार देने में दिक्कतें आएंगी और अगर आपने किसी को उधार दिया है तो वो वापस मिलने में दिक्कतें देखने को मिलेंगी। बाकी धन और आय के मामले में जे नाम वाले लोगों को इन दोनों महीनों में सामान्य परिणाम मिलेंगे। बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापार और नौकरी में जे नाम वाले लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। यहाँ पर ये दोनों महीने आपको अच्छे परिणाम दिखाएंगे और मार्च और अप्रैल के महीने में आपको व्यापार और नौकरी में सफलता मिलेगी। अगर आप कोई व्यापार कारोबार करते हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा और अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रखकर चलें कि कुछ न कुछ संघर्ष भी आपको इन दोनों महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, और अगर व्यापार कारोबार करते हैं तो अपने कारोबारियों के साथ भी संबंध आपको अच्छे रखकर चलने की ज़रूरत होगी, तभी आपको व्यापार कारोबार और नौकरी में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, वहाँ पर परिणाम अच्छे मिलेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे और आपके जो माता पिता के साथ संबंध हैं वहाँ पर थोड़े से गलत फहमियाँ देखने को मिल सकती हैं, तो वहाँ पर आप अपने माता पिता के बीच में कोई गलत फहमी ना होने दें और कोई क्रोध ना करें अपने माता पिता के साथ बातचीत करते वक्त। इस बात का ध्यान रखकर चलें, वाणी पर संयमित होकर बातचीत करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है मार्च और अप्रैल के महीने में। थोड़ा सा तनाव आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आप तनाव में आकर कोई भी ऐसी बातें ना करें कि जिससे वाद विवाद खड़े हों, और खासकर माता पिता के साथ बातचीत करते वक्त आपको संयमित रहना बहुत ही आवश्यक है पारिवारिक जीवन में। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको परिणाम तो अच्छे ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर आपको चेस्ट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है या पेट से संबंधित भी कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। खासकर अगर चेस्ट से संबंधित स्वास्थ्य समस्या है तो अगर उसमें कोई समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें और ये अप्रैल के महीने में आपको ध्यान रखना है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी इस समय पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। बाकी मार्च के महीने में स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है और अप्रैल के महीने में छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएँ आपको परेशान कर सकती हैं, तो वहाँ पर अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो आप उसमें कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें।
शिक्षा की बात करें तो जे नाम वाले लोगों के लिए शिक्षा के लिए दोनों महीने अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का ऐसा समय होगा जब आपकी शिक्षा में एकाग्रता में कमी देखी जाएगी और शिक्षा से आपका मन भटक सकता है, यानी कि एकाग्रता की कमी के चलते आप शिक्षा में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा करना चाहिए। इसके चलते आपका मन भटक सकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो शिक्षा के मामले में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक के समय में आपके पारिवारिक कार्यों को लेकर या आपके किसी भी कार्य को लेकर आपका समय बर्बाद हो सकता है, तो अपने समय को बचाएं और अपनी एकाग्रता बनाकर रखें तो ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और बाकी सारा समय शिक्षा में अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको परिणाम अच्छे ही प्राप्त होंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। जीवन साथी इन दोनों महीने में आपसे बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी की बात करेगा और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उसे आप समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपका जीवन साथी आपके बारे में सच्चाई की बातें करेगा, यानी अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो वो होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी संबंध है तो वहाँ पर आपके जीवन साथी को आपके संबंध पता चल सकते हैं और वाद विवाद हो सकता है। तो आप ध्यान रखकर चलें कि जीवन साथी के साथ संबंधों में ईमानदार रहें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में ईमानदार रहना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो फिर इन दोनों महीनों में आपको वाद विवाद देखने को मिलेंगे। अगर आप अविवाहित हैं और आपकी शादी की बातचीत कहीं चल रही है और छोटी मोटी बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है तो आप प्रयास करें, इस समय पर आपकी बातचीत पक्की हो सकती है। और जिन लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, यानी कि शादी की बातचीत नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई रिश्ता इस समय पर आपके लिए आ सकता है और आपको मनपसंद साथी मिल सकता है, यानी आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। आप ध्यान रखें कि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखें, वरना वहाँ पर फिर आपका वाद विवाद हो सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। और प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों के लिए दोनों महीनों में जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो 6 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक का समय सबसे ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपके साथी के साथ संबंध भी मधुर होंगे और अगर कोई वाद विवाद आपका पहले से चल रहा है तो वो भी समाप्त हो जाएगा और आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ एक दूसरे के साथ में विश्वास भी बढ़ेगा और संबंध काफ़ी मधुर रहने वाले हैं प्रेम संबंधों में। और प्रेम संबंधों में अगर आप साथी की तलाश में हैं, यानी आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये दोनों महीने अच्छे हैं। यहाँ पर आप अपने साथी को प्रस्ताव दे सकते हैं और आपकी मित्रता स्वीकार की जा सकती है। और अगर आपकी मित्रता मार्च के महीने में स्वीकार नहीं की जाती है तो 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का ऐसा समय है जब आपकी मित्रता आसानी से स्वीकार की जा सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा ही रहने वाला है मार्च और अप्रैल के दोनों महीने, लेकिन 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है प्रेम संबंधों के लिए। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप शुक्रवार वाले दिन खीर का दान गरीबों में करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और अगर खीर का दान नहीं कर सकते हैं तो चावल और चीनी का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें, और अगर वो स्त्री है, कोई गरीब स्त्री है, तो उसके लिए फिर आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आप किसी गरीब स्त्री को दान करें तो वहाँ पर और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जे नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।